आज हम बनाएंगे, नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजमा। उसके लिए मैंने एक कटोरी राजमा लिए हैं और इनको रात भर के लिए भिगो दिया और सुबह इनमें 4 सीटी लगा के उबाल दिया है। और उबालने के बाद मेरे राजमा दिखाते हैं, ये मेरे राजमा है जिनको मैंने अभी अभी उबाल दिया और उबाल के निकाल दिया है। ये देखिए, ये देखिए राजमा को उबाल के नमक डाल के उबाला है, सिर्फ नमक डाल के पानी में। अब इसको हम बना लेते हैं। तो इसमें राजमा में लहसुन डाला है, थोड़ा तेल से गर्म कर दिया, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने 2 प्याज काटी हैं, मीडियम साइज की, ऊपर का जैसे। अभी लहसुन भून गया हमारा, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। ये 2 मीडियम प्याज काटी हैं बारीक, तेज गैस करना है, तेज गैस पर भून देता हूँ। अभी रुक जाना, अभी प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी भुनने लगी है। राजमा के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, ये 3 टमाटर लिए हैं इसमें से, और इन 3 टमाटरों में 2 हरी मिर्च मैंने डाली है। 2 हरी मिर्च और टमाटर लेके मैंने इनको मिक्सी में पीस लिया है। अभी मैंने मिक्सी में टमाटर और 2 हरी मिर्च पीसी हैं, जो हम थोड़ी सी प्याज भून गया, हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है, हल्की सी ब्राउन होने लगेगी तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर और हरी मिर्च जो हमने पीसी हैं, और टमाटर पीसा, 3 टमाटर हमने पीस के लिए हैं। ये टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देते हैं, प्याज भून गई है। अब थोड़े थोड़े भुनने, पहले हम मसाला डाल लेते हैं इसमें। इसमें हल्दी बिल्कुल जरा सी, वैसे कम डालते नहीं है, लेकिन मैंने डाली है। मैंने हरी मिर्च भी उसमें डाली है, पीस दी है, तो इसलिए लाल मिर्च में थोड़ी सी डालूंगी, जिससे कि थोड़ा कलर आएगा बस। और धनिया, धनिया 1.5 चम्मच है। नमक मैंने राजमा को उबाला जब भी डाला है, इसलिए नमक 1 चम्मच बहुत है। बस हम ये धनिया मिर्च और नमक ही डालेंगे। बाद में भरने के बाद इसको गर्म मसाला डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं टमाटर को। अब ये हमारे टमाटर भूनने वाले हैं, बस थोड़ा सा पानी, इसमें पानी सूख जाए फिर हम इसमें राजमा मिलाएंगे। मसाला भून जाता है, तेल छोड़ने लग जाता है, बस अभी भूनने वाला है, थोड़ा सा और भूनेंगे, एकदम मिक्स करेंगे। दोनों उबाल कर रखे हुए हैं, तो बीच में एक बार चला देने तो मसाला लग जाएगा। इसको बंद करेंगे और मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अभी राजमा में बॉयल आ गया है, अभी देखें, अगर आपको थोड़े से खड़े खड़े लगे तो इसको हल्का सा मैश कर दो, क्योंकि थोड़े से मैश अच्छे लगते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बनता है इनको घोटना। अब ये देखिए हमारे राजमा बन गया, बस अब इसमें हम गर्म मसाला डाल देते हैं और थोड़ा धनिया, आधी चम्मच छोटी टी स्पून गरम मसाला डाला है। राजमा मैंने
जो कटोरी आपको दिखाई है वो डेढ़ ली है, गलती से एक बोल दिया था, तो मैंने डेढ़ कटोरी ली है राजमा। हमारे राजमा तैयार है, अभी ने आप प्लेन पराठे के साथ या राइस के साथ जैसे आपको अच्छे लगे वैसे आप खा सकते हैं। हमारे राजमा बन गए हैं, गैस बंद कर देते हैं। आइए, हरा धनिया डाल दिया मैंने, हरा धनिया डालने से हर सब्जी में एक जान सी आ जाती है। आज हमारी रेसिपी थी राजमा राइस, ये हमारे बनके तैयार है। इसे आप टेस्ट करके बताइए या कमेंट करिए प्लीज, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू यादव किचन्स में, थैंक यू सो मच।